तो ये आप लोगों का एक कंक्यूमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो ये आप लोगों का स्फेरिकल मिरर में बता दूंगा, ये पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इतना याद रखना, फोकस से पास होएगा, ठीक है। सेकेंड, आप लोगों का ऑब्लिकली इंसिडेंट करवा दो तो आप लोगों का ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मीट करेगा, यहाँ पर आप लोगों का इमेज बनेगा रियल इमेज। देखो यहाँ से आप लोगों का जो है दोनों रिफ्लेक्टिव रेज एक्चुअली मीट करेगा ना, एक्चुअल में मीट कर जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा रियल इमेज। इन्वर्टेड भी है ऑब्जेक्ट आप लोगों का, ऐसे रखा सीधा इमेज आप लोगों का ऐसे दिख रहा है। और आप लोगों ने एक और पॉइंट बोला था, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन डाल दोगे ऑब्जेक्ट और किसके बीच में, मिरर के बीच में, तो आप लोगों का इमेज कहाँ पर आएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका तीन पॉइंट किसके लिए, रियल इमेज के। सेकेंड आप लोग देखते हैं वर्चुअल इमेज, ये आएगा आपका वर्चुअल इमेज। तो ये आप लोगों का एक कन्वेक्स मिरर में डिस्कस करता हूँ, ये आप लोगों का है कन्वेक्स मिरर, ये आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन डाइवर्स कहाँ से होते हुए दिख जाएगा, फोकस से आपका डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा एक्चुअल। तो ये हो ऑब्जेक्ट आपका। सेकेंड, आप लोगों का फिर से ऑप्टिकली इंसिडेंट करवा दो तो ये ऑप्टिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दोनों रिफ्लेक्ट रे जो है डाइवर्स हो जाएगा, मिलेगा नहीं एक्चुअल में। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो, इसको इस पॉइंट पर मिलते हुए दिख जाएगा, फोकस और पोल के बीच में आप लोगों का मिलते हुए दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपीयर टू मीट, तो यहाँ इमेज बनेगा आपका वर्चुअल। इरेक्ट भी आप लोगों का, देखो ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ऐसे रखा, इमेज भी आप लोगों का ऐसे बना, लेकिन डिमिनिशिड बनेगा, वो आप लोगों का मैग्निफिकेशन में डिस्कस करूंगा, डिमिनिशिड बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो इरेक्ट आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक पर्दा डाल दूंगा, एक स्क्रीन, जैसे कि आप लोगों ने कहा पहला पॉइंट जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में मैंने एक पर्दा डाल दिया, तो आप लोगों का इमेज कहाँ बन रहा है, पर्दे के पीछे बन रहा है, तो पर्दे पे नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा इमेज कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक। ये बनेगा आप लोगों का जो है टाइप्स ऑफ इमेज। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त आ जाएगा आप लोगों का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो हम बाद में हम स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये देखो आप लोगों का जो है प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्लेन मिरर जैसे कि आप लोगों का जो है घर में आप लोग जो एक मिरर यूज करता है ना, उस मिरर को आप लोग क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, ठीक। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज देखने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक मिरर बना, ये आप लोगों का एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, थोड़ा सा बीच में बना दूंगा। ये आप लोगों का एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का आप लोग नाम देंगे कुछ, दे दो आप लोगों का एमएम डेज में नाम दूंगा, ठीक है। तो ये मिरर है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ ओ, ठीक, वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक रे मैं ले लूंगा, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, कोई जो है आप लोगों का जो है सोर्स है, सोर्स यहाँ पर लाइट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर दे रहा है लाइट, जो है आप लोगों का रेज आ जाएगा मिरर पे, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्टिक्स है, तो हम रे डिस्कस करेंगे, इसका वेव डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दो तो आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो जाएगा, ठीक। सेकेंड देखो, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आप लोगों का ये भी बढ़ जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। देखो दोनों रिफ्लेक्टिव रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अब ये एक्चुअल में तो मीट नहीं करेगा, अब इस दोनों रेज को मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है ना। यहां पर देखो इस पॉइंट पर मुझे क्या बनेगा, इमेज।
तो ये बनेगा आपका इमेज, ये था आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी तो आ जाएगा, पहला प्रॉपर्टी अगर आप लोग देखना चाहोगे तो पहला प्रॉपर्टी आएगा जो इमेज आप लोगों का प्लेन मिरर बनाता है, वो इमेज आपका क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट मीट नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट मीट होता तो मैं कह सकता ना रियल, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट मीट ही नहीं हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्स होते हुए दिख रहा है या मिलते हुए दिख रहा है, पेयर टू मीट हो रहा है, तो उस वक्त आपका इमेज क्या बनना चाहिए, वर्चुअल। तो आप लोग पहला पॉइंट आप लोग लिख सकता है, ये टेंथ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो आप लोगों का इरेक्ट भी होता है, पहले लिखा था आप लोगों का वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। तो इमेज जो है प्लेन मिरर बनाता है, वो इमेज आप लोगों का वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। सेकंड देखो, जितना डिस्टेंस पर आप लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा, मतलब देखो आप लोग मिरर के अगर काफी क्लोज जाएंगे तो आप लोगों का इमेज भी काफी क्लोज बन जाएगा, अगर आप लोग मिरर से दूर भागेंगे तो इमेज भी आपसे मिरर से दूर भागेगा। तो मींस अगर मैं यहां से ये मिरर का डिस्टेंस एक्स रखूंगा तो मिरर से जो है इमेज का डिस्टेंस भी क्या आएगा, एक्स। तो आप लोग लिख सकता है ना, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस। इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ जितना डिस्टेंस पर आप लोग जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, लेटरल इन्वर्जन बनेगा, आपका राइट जो है इमेज में लेफ्ट दिख जाएगा और जो है आप लोगों का लेफ्ट जो है इसमें राइट दिख जाएगा, तो आप लोगों का लेटरल इन्वर्जन सारे इमेज में पॉसिबल है। तो आप लोग लिख सकता है इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इस लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन मीन आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइट वाइज रिवर्स्ड, साइट वाइज रिवर्स हो जाएगा। लास्ट देखो आप इसका एक और प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का भी साइज होगा। मतलब आप लोग अगर मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे बाद में, मैग्निफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज तो आप लोग लिखेंगे एच टू, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच वन, तो यहां पर H2 डिवाइडेड बाय H2 लिख सकता है क्योंकि साइज ऑफ इमेज हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में, तो मैग्निफिकेशन हमेशा इसमें 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये बनेगा आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, जितना डिस्टेंस पर आप लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना डिस्टेंस पर आपका इमेज को इमेज में बन जाएंगे, ठीक है। इमेज जो है फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर हैज लैटरल इन्वर्जन, मींस साइड वर्ड रिवर्स हो गया, जो है आप लोगों का लेफ्ट जो है राइट में दिख जाएगा और राइट जो है लेफ्ट में दिख जाएगा। इमेज जो है प्लेन मिरर बनाएगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट के जो है साइज जो है सेम होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा।